शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी से दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव और दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को वही आयोजित बैठक शुक्रवार की देर शाम तक चली। मोहर्रम पर्व पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया जाएगा, CCTV से भी निगरानी रखी जाएगी। कहीं से भी कोई सामाजिक तत्व के लोग गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मालूम रहे कि 17 जुलाई को मोहर्रम की 10वीं तारीख है और जानकारी मिली है उसके अनुसार मोहर्रम की 10वीं तारीख को रात्रि 9 बजे लग्गा मिलन होने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर सभी सदस्यों ने कहा कि हम लोग प्रशासन के साथ सर मोहर्रम को लेकर आज जिला शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? आज जिला शांति समिति की बैठक यहाँ आयोजित की गई, इसमें मोहर्रम कमेटी के मेंबर भी थे, साथ ही साथ जिला शांति समिति के सदस्य वगैरह भी थे। सबों के द्वारा जिले में शांतिपूर्वक मोहर्रम मनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए उनको प्रशासन के द्वारा नोट किया गया और उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की तरफ से भी मोहर्रम कमेटी को एवं जिला शांति समिति को कुछ गाइडलाइन जो होता है जो कैसे त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाया जाए इसको लेके हम लोगों के द्वारा बताया गया, उनको डायरेक्शन दिया गया, जिसमें है कि किस तरह से क्राउड को कंट्रोल किया जाए, क्राउड किस तरह से व्यवस्थित ढंग से हो, क्राउड का रूट जो हो वो निर्धारित है तो रूट किस तरह से मेंटेन किया जाए, एवं पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्था है वो हम लोग सारा व्यवस्था करें। सर पानी की भीषण दिक्कत लोगों को मिल रही है नगर निगम क्षेत्र में, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? लगातार दिक्कत हो रही है लोगों को पानी के लिए, जैसे कि लोगों का कंप्लेन था कि PHD के विभिन्न जगहों पे उनके पाइप में लीकेजेस हैं, इसके अलावा कुछ उनके जो बोरिंग वगैरह हैं वो भी काफ़ी काम नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में PHD के जगह इंजीनियर साहब से भी बात हुई तो उनके द्वारा काफ़ी जगह कार्य भी कराया जा रहा है लेकिन स्थिति संतोषजनक है नहीं। इसके संबंध में नगर निगम के द्वारा भी अपना समर्सिबल पंप, इसके अलावा नगर निगम के द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है लेकिन लोगों का कंप्लेन है। इस संबंध में PHD डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को यह निर्देशित किया गया कि अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें। सर अभी आप प्रभारी जिलाधिकारी हैं, नगर आयुक्त भी हैं, दरभंगा में जो बारिश हो रही है, जल जमाव की स्थिति है, तो इस पर क्या किस तरह से समस्या दूर होगी? जैसे बारिश होने के बाद कुछ निचले क्षेत्रों में पानी लगता है तो हम लोगों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। DMCH एरिया जहां अक्सर पानी लग जाता था, आज सुबह बारिश होने के बाद भी हम लोग वहां गए तो DMCH के एरिया में पानी बिल्कुल भी नहीं था, जो गड्ढे उड्ढे वाले एरिया थे वहां पानी लगा हुआ था। वहां भी हम लोग का जो पंप चलता है पंप के माध्यम से पानी की निकासी की जाती है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी निचले क्षेत्र में जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ हम लोगों के द्वारा पंप लगाया गया और पानी की निकासी भी की गई। पहले की तुलना में इस बार हम लोग देख रहे हैं कि पानी की निकासी पूर्व के वर्षों की तुलना में इस बार तेजी से हुआ है और जो पानी का रिटेंशन टाइम था वो काफी कम। कुछ लोगों का ये आरोप है कि कुछ जगह पर नाले की सफाई नहीं है जिसके कारण जल जमाव होती है, तो क्या मानते हैं? नाले की सफाई हम लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष कराई जाती है और उसकी गुणवत्ता से मॉनिटरिंग भी की जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी पानी लगता है वो बहुत तेजी से सात करोड़ के वर्षों से निकला है, अगर नाले की सफाई नहीं हुई होती तो वो पानी काफी देर तक वहाँ रहता है। जैसा कि अभी आप जाके DMCH के एरिया में जाके देखते हैं तो DMCH के एरिया में पूर्व के वर्षों में इतनी बारिश होने पर पानी काफी लगा रहता था। अभी आप जाके देखेंगे वहाँ मेडिसिन वार्ड वगैरह जो है जहाँ पानी अक्सर लग जाया करता था वहाँ सिर्फ गड्ढे वाले एरिया में पानी आते हैं। जिला शांति समिति का मोहर्रम पर्व को लेकर क्या कुछ बताया गया है? सबसे पहले तो मोहर्रम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारा हिंदुस्तान, हमारा दरभंगा मिथिलांचल का ये महत्वपूर्ण स्थल है पूरे हिंदुस्तान का, तो इस पे बहुत फील करने की बात है कि हर पर्व को बड़े उत्साह के साथ अशांतिपूर्ण मनाया जाता है। वही शांतिपूर्ण का मैसेज पूरी आवाम को, पूरी जनता को देना है कि वो रहा। यहाँ पर अहम मुद्दा यही था कि जिस तरीके का अगली पिछली बार मुहर्रम में हुआ था ऐसा घटना न घटे, बच्चों को थोड़ा अलर्ट करने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, ऐसा कोई रूट नया रूट को न फॉलो कर ले कि आगे कोई दुर्घटना हो सके। और जो भी जरूरतें की चीज है जैसे लाइट है, पानी है, रोड खराब है, इन्हीं सब बातों को नगर आयुक्त
जो अभी डीएम के परिवार में है उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको हर तरह का उनको सुविधा मिलेगी। आप दरभंगा नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं, इस नाते क्या कुछ करना चाहेंगे शहरवासियों के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ पूरे आवाम को कि जिस तरीके से आप हमेशा हर पर्व को बहुत अमन और सुकून के साथ मनाते आए हैं, आगे भी अमन और सुकून के साथ मनाएं। और एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मैसेज दे कि जो गलती पिछले वर्ष हुई है वो अब आने वाले कभी वर्षों में न दोहराई जाए। पानी की समस्या को लेकर नगर निगम अक्सर पीछे रहती है, अभी भी बात सदन में उठा है, तो इसको लेकर क्या कुछ? अभी भी शांति समिति में बैठक में आवाज उठा है, पीएचडी का मामला है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पेमेंट कर चुके हैं लेकिन पीएचडी है इस तरीके से स्लो काम कर रही है। मैं खुद पीएचडी से अभी 26 नंबर वार्ड का काम कराने के लिए आज 3 महीने से रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन 3 महीने से अभी तक काम नहीं हुआ, मैं तो खुद परेशान हूँ। जी सर, समागम कमेटी को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, क्या सब दिशा निर्देश दिए गए? तो शांति समिति सदस्य के द्वारा और मोहरम कमेटी के द्वारा बहुत सारा सुझाव दिया गया है, सफाई के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, और हम लोग उसका सुझाव नोट डाउन कर लिए हैं। और उन्होंने कुछ कुछ जगह हमको प्वाइंट बताया कि जहाँ जहाँ पुलिस की आवश्यकता है वहाँ भी हमने नोट डाउन कर लिया है। हम लोग उसका ज्वाइंट ऑर्डर हम लोग निकाल लेंगे जल्दी, ताकि उनको ब्रीफिंग करके हम लोग उनका डेपुटेशन पॉइंट पे दे देंगे। और पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी हम कोशिश करेंगे हर जगह पे रहें, हमको फोर्स हमने मुख्यालय से भी मांगा है, वो लोग भी आ जाएंगे। और हम लोग अभी तैयारी में कर रहे हैं, रूट मैप जैसा लाइसेंस उनको दिया जा रहा है और रूट का मैपिंग हम लोग कर रहे हैं और सेंसिटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिया है। और हम लोग सीसीटीवी कैमरा, बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट्स, वॉच टावर्स, ये सब लग रहा है, ये सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उनको सही समय पे हम लोग लगा देंगे। कुछ सर, ये दिशा में अगर तारी को अभी फ्री किया हुआ है, क्या ये भी प्रतिबंध होगा मोहरम को? क्या जी तारी है नशेड़ी का जो आता है, जो पदार्थ पीना वर्जित है, और हम लोग दारू जो है शराबबंदी भी है, और जो नशा का कुछ गोली के बारे में लोग लेने के कुछ कुछ हमको शांति समिति के द्वारा बताया गया है, वहाँ लोग चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई भी करें। सुरक्षा का क्या इंतजाम रहेगा सर? सुरक्षा का पर्याप्त संख्या में हमारा फोर्स मिल रहा है कि हम लोग बढ़िया से इंतजाम करेंगे, वहाँ हर जगह पे पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी नियुक्त करेंगे, युवा टी रहेगा, दंगा पार्टी भी रहेगा, हम लोग ड्रोन्स भी यूज करेंगे, सोशल मीडिया पे भी हम लोग नजर रखेंगे। डीजे पर कैसा रहेगा? डीजे बैंड है, प्रतिबंधित है, हमने शांति समिति मैटर में उसको बता दिया है, निर्देश भी देंगे। नया अखाड़ा भी इस बार क्या कुछ जुड़ा है क्या चीज से? तो अभी तक जो हमको लाइसेंस का जो लिस्ट में अभी इन्होंने नहीं दिया है, अभी धीरे धीरे दे रहे हैं और जो भी है उसको सत्यापन करके जो भी विधि सम्मत कार्य हम लोग करेंगे। समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ बात सामने आया? जिला शांति समिति की जो आज बैठक हुई है उसमें 2-3 बात पर निर्णय लिया गया है। डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे और जो अखाड़िया जो जुलूस निकालेंगे वो लाठी का प्रयोग जो करेंगे उसमें किसी बाहरी लोगों को न लगे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और जो भी अखाड़ा में लोग हैं उसका एक सूची बना करके अखाड़ा के अध्यक्ष थाना को देंगे और जो समय बना है उस समय पर निलाम भी करेंगे और समय पर नियुक्ति करेंगे। और इस कमेटी का यह जो मीटिंग हुई है इसमें संकल्प लिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार हम लोग जुलूस संपन्न कराएंगे। जी अपना परिचय देते हैं। श्याम किशोर प्रधान। दिशा निर्देश यही है कि अखाड़े को शांतिपूर्ण खेलना है, डीजे बैंड है, डीजे आप डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस जो हु हंगामा हो तब हु हंगामा नहीं हो, किसी दूसरे संगठन का झंडा या टी शर्ट नहीं हो जिससे लोगों के बीच में कोई गलत मतलब जाए। मुहर्रम जो है वो शहादत का महीना है, इसको अच्छे से मनाए, अच्छे से और ध्यानपूर्वक मनाए ताकि दूसरे समुदाय को जो आप जो हुसैन ने मैसेज दिया है सच्चाई का सब्र का वो उन तक पहुंचे। प्रशासन की तरफ से क्या सब सहयोग मिलेगा शांति व्यवस्था के लिए? प्रशासन ने जहां जहां अति संवेदनशील है वहां पर यह आश्वासन दिया है कि जहां जहां अति संवेदनशील है वहां पर पुलिस तैनात होगी। दूसरा जो नगर निगम जहां जहां पर नाली का टॉप टूटा हुआ है, स्लैब टूटा हुआ वहां पे उसको जो है अविलंब ढकने का काम करेगी। जगह पानी भी लगा हुआ है, बरसात अगर हो जाती है उसके लिए क्या? अगर बरसात हो जाती है तो नगर निगम क्या महोदय ने कहा कि पंपिंग सेट लगाकर तुरंत पानी को पंप आउट किया जाएगा ताकि वो रास्ता जो है चलने के लायक हो जाए और अखाड़ी को दिक्कत नहीं हो। मुहर्रम को लेकर इस वर्ष जो कितने अखाड़ियों को लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है? देखिए इस बार 123 अखाड़ा है, कुछ हम लोगों ने नए ये लाइसेंस के लिए हम लोगों ने अपना डिमांड रखा है।
एसएसपी महोदय का कहना है कि हम लोग जो भी नया लाइसेंस आएगा उसका समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने का उसको लाइसेंस देंगे। कुछ अखाड़े बढ़े भी हैं लाइसेंस के लिए? जी हाँ, अभी तक 5 अखाड़ा जो है नए अखाड़े जिन्होंने लाइसेंस दिया है विभिन्न थाने से, वो लोग चाहते हैं कि जिला मोहर्रम कमेटी के माध्यम से उनका लाइसेंस बन जाए ताकि वो भी अपने इलाके में मोहर्रम खेल सके। आप मोहर्रम को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई है, आप लोग शामिल हुए, क्या कुछ बात सामने है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो कमेटी है इसमें मोहर्रम कमेटी में शांति समिति का ख्याल रखा जाता है कि जिला में शांति व्यवस्था बहाल हो और किसी भी यातायात की असुविधा नहीं हो। उसमें बहुत सारा गंभीर मुद्दा सभी रहा है, जिसमें अभी यहाँ पर जो चौराहा है इसको हम भैया चौक कहते हैं, वहाँ पर इससे पहले भी अधिकरण हटाया गया था तो हट तो जाता है, पुनः फिर एक दो दिन के बाद फिर उसकी किसी तरह व्यवस्थित हो जाता है। अब वहाँ स्थानीय प्रशासन जो यातायात को देख रेख करते हैं यातायात प्रभारी, उनसे पूछा जाए कि भाई इस तरह क्यों होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि उनको अविलंब फिर पुनः खाली करवाएं और व्यवस्था को शुरू करें। अपना परिचय दे दें। जिलाध्यक्ष बसप्पा सुनील कुमार। मोहर्रम पर्व को लेकर अभी जो है जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से शांति समिति की बैठक रखी गई है, क्या कुछ बात सामने आया है, क्या आप लोगों ने बात यहाँ उठाई? देखिए नगर आयुक्त जो दरभंगा जिला के पदाधिकारी के प्रभारी के रूप में है, बड़ी आरक्षी अधीक्षक हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं और डीएसपी हैं, कई प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिला शांति समिति के सदस्य और मुहर्रम कमेटी के जो जिला अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उसके सचिव जो निर्वाचित हुए, वे सारे लोग आज जिला शांति समिति के बैठक में भाग लिए हैं। और उस बैठक में मुहर्रम कमेटी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने अखाड़ियों के साथ बैठक किए हैं और कठोर शब्दों में निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का जब आप अखाड़े निकलती है तो अनुशासन को भंग नहीं करना है, नशे की हालत में नहीं रहना है और शांतिपूर्वक आपसी एकता और भाईचारा के साथ हम लोग पर्व को मनावेंगे, ऐसा उनके जो अध्यक्ष हैं मुन्ना भाई उन्होंने अभी अपना वक्तव्य जिला शांति समिति की बैठक में दिए हैं। दूसरी ओर हम लोग जो सदस्य हैं हम लोगों ने कहा है कि जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा जो भी विषय आपके संज्ञान में लाया गया है, जो भी सहयोग उनके द्वारा मांगा गया है, वह जिला प्रशासन अविलंब उसको पूरा करने का काम करे और मुहर्रम कमेटी के साथ हम लोग जितने भी जिला शांति समिति के सदस्य हैं हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ मिलकर के शांति व्यवस्था के साथ आपसी एकता सौहार्द वातावरण में भाईचारा के साथ इस पर्व को मनाने में हम लोग उनको सहयोग देंगे और हम लोग भी सोशल मीडिया पर गंभीरता से ध्यान देंगे जो कि कोई भी ऐसा आपत्तिजनक शब्द आपत्तिजनक कोई वाक्य उस पर सोशल मीडिया पर नहीं चले, अगर इस तरह का चलता है तो पुलिस प्रशासन को अविलंब सूचना करे, वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और यह पर्व पूरे शांति वातावरण पूरे माहौल में मनाई जाएगी और जो भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह का अगर गलत काम करते हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, कारण कि हर जिला शांति समिति की नजर वैसे असामाजिक तत्वों पर है, जिला प्रशासन की नजर है और साथ साथ आप लोगों का भी नजर वैसे आपत्तिजनक लोगों पर रहे और इस तरह का कोई भी चीज की घटना अगर कुछ घटती है तो हम लोगों को जानकारी मिलेगी, पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलेगी, हम लोग उस पर अविलंब कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे, यही कह करके अभी बैठक चल रही है। अपना नाम बता। मेरा नाम अशोक नायक हुआ, जिला शांति समिति सदस्य। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ तब दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। मौके पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
वहीं वायरल वीडियो की पुष्टि खुद जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने भी की है। डॉक्टर मुन्ना खान ने मीडिया को बताया कि पूरा मामला जिला मुहर्रम कमेटी के ठीक सामने का है। जब मुहर्रम की पहली को एक रस्म अदायगी के लिए जुलूस निकाला था, तभी एक लड़के ने फिलिस्तीन का झंडा वहां लहरा दिया था। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट तक यह झंडा लहराया गया। जैसे ही उन लोगों की नजर पड़ी, तुरंत फिलिस्तीन के झंडे को जब्त कर रख लिया गया। लड़का फिलिस्तीन के समर्थन का टी शर्ट भी पहन रखा था। इसके बाद पूरे मामले की सूचना दरभंगा पुलिस को भी दी थी और जिला के तमाम मुहर्रम अखाड़े वालों से किसी दूसरे देश के झंडे न लाने और न लहराने की अपील करते हुए कहा था कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ जिला मुहर्रम कमेटी सख्त एक्शन तो लेगी, साथ में कानून भी अपना काम करेगी। पूरे मामले पर दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी ने भी कहा है कि मामला जैसे ही सामने आया, पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। सर, क्या पूरा मामला एक विदेश का फ्लैग हरा गया मुहर्रम में, क्या जानकारी है? तो प्रेस के माध्यम से हमें पता चला कि वीडियो के बारे में हम तत्काल जो SDPO सदर अमित कुमार जी उनको जांच के लिए आदेश दिए, क्योंकि जांच करने के बाद जो वीडियो का इसके ऊपर उनकी समझ कर रही है। प्राइमरी क्या लग रहा था जो वीडियो सामने आया उसको देखने के? तो वीडियो में जो आया है उसमें तो जो विभिन्न जो झंडा डाला गया है उसकी सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हमने बोला जांच करके उनको रिपोर्ट भेजी और उसके बाद हम लोग उनके समय करेंगे। सर, वो झंडा किस देश का? जांच करने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ये स्टेबल हो गया सर कि कहाँ का है वो वीडियो, किस जगह का है पुलिस की जाँच में? क्योंकि हमने जाँच दिया, जैसा आपने वीडियो दिया उसके आधार पर हमने जाँच के आदेश दिए। जो डिटेल्स मेरे पास जाँच होगा दरभंगा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लोग लहरा रहे हैं। प्रशासन इसे किस रूप में देखती है, किस तरह से इसको जो है लोगों पे कार्रवाई होगी? इस संबंध में अभी यहाँ पे चर्चा हुआ है, इस संबंध में SSP सर को भी संज्ञान में कराया, उचित कार्रवाई। खेल सके, आपने एक महत्वपूर्ण बात कहा था फिलिस्तीन के झंडा को लेके। पहले भी आपने लोगों से अपील किया था कि फिलिस्तीन का झंडा या कोई दूसरा झंडा अपने देश के झंडा के अलावा, इस्लामिक झंडे के अलावा दूसरा झंडा न लड़ाए, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि दरभंगा के किसी मुहर्रम कमेटी में जो फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, क्या कहेंगे आप दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष के नाते? क्या देखिए, हम लोग तो खुद इस पर कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा बात है, मैं अपने जिलावासी को ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर भी कोई ऐसी बात होगी जिला मुहर्रम कमेटी बहुत कड़ाई से इस पर संज्ञान लेगी और जिला प्रशासन को सारी बात बताएगी। दूसरा ये कि एक इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा चाकसित होने का जरूरत नहीं। आप देखिए, कहीं पे अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट का मैच हुआ था तो पूरे दिल्ली में दूसरे ही देश का झंडा घूम रहा था। तो इस पर कोई ज्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, हम लोग चाहते हैं शांति और सब्र के साथ पूरा मुहर्रम संपन्न हो और कहीं कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कारण सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश जरूर माना जा रहा है। देखिए, हर जगह कुछ 1% ऐसे लोग हैं जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है ताकि आगे कोई ऐसी बात नहीं हो और मुहर्रम को अच्छे से हम लोग मनाएं। क्या लग रहा है अभी तक जो लोग इस तरह का काम किए हैं कोई चिन्हित हो सके हैं? देखिए, अभी तक जो लोग हैं वो चिन्हित हैं, ऐसा नहीं है चिन्हित नहीं। वो 14-15 साल का बच्चा है, उसको अब कोई भी मतलब कुछ समाधि उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे ताकि भाई फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का अलग मसला है, इसराइल का अलग मसला है, वो हमारे देश का जहां हम लोग पर्व मना रहे हैं उसका अलग है। हम यहां हम लोग सब धर्म मिलके सब पर्व को मनाते हैं, तो इसी तरह सारे धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं, सब भाई मिलकर जो है मुहर्रम मनाएंगे। और बल्कि हमारे हिंदू भाइयों ने कहा है कि इस बार कुछ हम लोग नया करेंगे और हर जगह पानी के स्टॉल लगाएंगे ताकि जो अखाड़िया और जो हमारे खिलाड़ी आते हैं उनको पानी कहीं दिक्कत नहीं। मुहर्रम के अखाड़ियों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मुहर्रम के अखाड़ियों को सिर्फ एक संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग जब भी अपने अखाड़ा के साथ आएं, अपने वॉलंटियर के साथ आएं, उनको जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको ध्यान दें कि वो बहके नहीं, कि लाठी से किसी को चोट नहीं लगे, चोटिल नहीं हो, और प्यार मोहब्बत के साथ अखाड़ा को लेकर किला घाट पहुंचे और फिर वहां से अपने अपने घर को वापस जाएं। बहुत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 13 जुलाई शनिवार को दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार की सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का निपटारा मुफ्त में किया जाएगा, किसी तरीके का कोई शुल्क इसमें नहीं लिया जाएगा। मालूम रहे कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद से लेकर विद्युत बिल, पानी से संबंधित वैवाहिक विवाद से लेकर भूमि अधिग्रहण, वार्ड किराया, सुखाधिकार, BSNL से लेकर ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि विवाद आपसी समझौते के आधार पर तमाम लोगों के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। दरभंगा कोर्ट प्रांगण में जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसके संबंध में यह जानकारी मिली है कि शनिवार की सुबह 10 बजे से शाम के समय तक यह आयोजन चलेगा। शुक्रवार को थोड़ी ही देर की हुई बारिश ने मानो दरभंगा शहर की सड़कों को डुबा दिया। सड़क जैसे झील और तालाब सा दिखने लगा। वहीं स्थानीय लोगों ने दरभंगा नगर निगम पर कई आरोप लगाए। कहा, समय रहते हुए सभी सड़कों की ठीक रूप से नालों की सफाई नहीं होने के कारण विभिन्न सड़कों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुआ करती है। बात चाहे जो भी हो, शुरुआती बरसात ने ही बारिश के पानी में दरभंगा नगर निगम की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी। आप जिस किसी सड़क पर जाएंगे, गली मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति देखने को मिलेगी। जल जमाव की तस्वीर है मोहल्ला दुमदुम से लेकर करमगंज जाने वाली रोड की। शुक्रवार की सुबह थोड़ी देर की हुई बारिश में दारू भट्टी चौक से लेकर किलाघाट रोड तक जाने वाली सारी सड़कों पर पानी भरा नजर आया, जिसके कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ये कि कॉलेज स्कूल जाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सारा चीज का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं। कौन सा रोड है ये? ये तो करमगंज रोड हुआ। हमेशा आप जाते हैं? हमेशा हम जाते, परमानेंट जाते, डेली जाते हैं। कितना देर बारिश हुआ है, डूब गया पूरा? देखिए, बारिश तो कम ही हुआ है, ज्यादा तो हुआ नहीं है। जब कम बारिश में इतना डूब जाता है, जब अधिक बारिश होगा तो और भी ज्यादा डूब जाएगा। नगर निगम से क्या मांग कर रहे हैं? नगर निगम समझिए जो काम मांग करना चाहते हैं कि वो देखे, रोड को देखे, नाला को देखे, सब कुछ को देख करके और हम लोगों की परेशानी को दूर करे, यही हम नगर निगम से मांग करना चाहते हैं। जगह ये बताइए आपको। करमगंज जिला स्कूल इंडियन नर्सरी के बगल में थोड़ा सा ही पानी आता तो यहाँ पे डूब जाता है पूरा, चलने का भी रास्ता नहीं रहा। आखिर क्या कारण है, सड़क के नीचे हो गया, बनाने का आवश्यकता ऊंचा करके क्या? नहीं, नाला आगे जाम है जिसके वजह से जो है ये पानी नहीं निकल पाता। तो क्या नगर निगम समय रहते हुए बरसात पूर्व सफाई नहीं कर सकी नाला की? नहीं, नगर निगम सफाई नहीं कर सकी। क्या कहेंगे इसको, आगे क्या करना चाहिए? जो नगर निगम को चाहिए कि आगे जो नाला है उस नाला को सफाई करे और यहाँ का पानी निकालने का कोशिश और प्रयास। कितनी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में? बहुत ज्यादा, बताया नहीं जा सकता। लगभग कितना देर बारिश हुआ जो एकदम झील या तालाब में तब्दील हो गई? आधा घंटा के करीब बारिश हुई, आधे घंटे में ये झील आ जाए, हैरान हो गए। आप लोग यहाँ स्थानीय निवासी है? जी। बड़ा दिक्कत हो रही है। कौन सा जगह है ये? ये जो है घूमने वाला। हाँ, कितना देर पानी हुआ जो इतना ज्यादा पानी सड़क पे लग गया? तो जो है अढ़ाई घंटा लग, अढ़ाई तीन घंटा हुआ है। क्या हुआ? बहुत देर से पानी लग। कितना दिक्कत हो रहा है ऐसे में आने जाने में? बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आज डूब जाता है, ये सबसे ज्यादा गहरा जगह है। क्या कारण है जो पानी यहाँ पे लग जाता है? नीचा जगह है, नीचे गड्ढा है, गढ़ा है, इसको ऊंचा करके बनाने की जरूरत है। जो बना ठीक बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये हर जगह नहीं होता है, केवल इसी में यहाँ पर होता है। किससे मांग करना चाहेंगे किसी को बनाया जाए? नगर निगम। हाँ,